स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। आज हम मंदिर जा रहे हैं, कामाख्या मंदिर, यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है। तो हम सुबह 2 बजे उठ गए थे और अभी हम तैयार यार हो गए हैं। 4 बज गई है, हमने उबेर से गाड़ी मंगा ली है और अब हम जाएंगे मंदिर की तरफ। मैं आपको दिखाऊंगा, क्यों रखा है यहाँ, पूरा अंधेरा हो रखा है यहाँ। हम जल्दी इसलिए जा रहे हैं ताकि जल्दी से मंदिर के दर्शन हो जाए। बहुत भीड़ रहती है वहाँ, क्यों बहुत फेमस मंदिर है वो, बहुत लोग आते हैं वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो हम सोच रहे हैं जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी दर्शन होंगे और हम वापस आ जाएंगे। पापा लोग सब तैयार हो चुके हैं, अंदर भी सभी तैयार हो के बैठे हुए हैं, गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं और हम निकलेंगे मंदिर की तरफ। अब मैं आपको वहाँ के मंदिर के दर्शन करवाऊँगा, कामाख्या टेम्पल के, बहुत ही फेमस मंदिर है और उसके बारे में भी बताऊँगा आपको बहुत। अभी हमारी गाड़ी भी पहुँच चुकी है, थोड़ा थोड़ा उजाला होने को है अभी। चलो बैठो फिर। हम मंदिर पहुंच चुके हैं और थोड़ा पैदल चलना होता है यहाँ। यहाँ से हम पूजा के लिए सामान ले जाएंगे, लेकिन यहाँ एक फ़ायदा ये है कि जहाँ से आप पूजा का सामान लेते हैं वहाँ आपके जूते चप्पल रखने की पूरी व्यवस्था करते हैं ये लोग। और इन्होंने हमारा पूजा का सामान तैयार कर लिया है। सामान लेने के लिए पापा मम्मी और मैं रुके हैं और बेबो और निर्मला को मैंने लाइन में लगने के लिए भेज दिया है, क्योंकि लंबी लाइन में उनको दिक्कत होती, उनके पास बच्चा भी है। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है, इतनी सुबह भी बहुत भीड़ है यहाँ, बहुत लोग आ रहे हैं और हमसे पहले भी बहुत लोग जा चुके हैं। तो सभी को यही है कि जितनी जल्दी दर्शन हो सके, थोड़ी देर बाद इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी यहाँ कि पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। और अब हम चलते हैं मंदिर। यहाँ से मंदिर का रास्ता शुरू हो जाता है, ये सीढ़ियाँ हमें मंदिर तक लेके जाएंगी, मंदिर के मेन गेट में। बट मेन गेट से एंट्री आजकल नहीं होगी। जैसे कि आप देख रहे हो, दुकानें खुलने को हैं और सीढ़ियों के दोनों ओर दुकानें लगी हुई हैं जहां से पूजा की सामग्री ले सकते हैं आप। ये है मंदिर का मुख्य द्वार, लेकिन इसमें से प्रवेश नहीं करवाते हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो प्रवेश के लिए पीछे से द्वार बने हुए हैं जहाँ से एंट्री होती है और इस मुख्य द्वार से एग्ज़िट होती है। अब हम जाएंगे पिछले द्वार की तरफ जहाँ से एंट्री होगी। तब तक मैं आपको कामाख्या देवी के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, कामाख्या मंदिर कामाख्या रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर नीलांचल पहाड़ियों पर बना हुआ है। यह भगवती कामाख्या माता का एक सिद्धपीठ है। यहाँ पर भगवती की महामुद्रा की पूजा की जाती है। दोस्तों, इस मंदिर की कहानी जो मैंने सुनी है मैं वो आपको बताता हूँ। एक बार देवी सती के पिता दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने महादेव जी और देवी सती को आमंत्रित नहीं किया, जिससे सती को घोर दुख हुआ और वो बिना महादेव जी के उस महायज्ञ में चली गई, जहाँ पर दक्ष ने महादेव जी का अपमान किया, जिससे देवी सती यज्ञ की अग्नि में कूद गई। महादेव जी को जब यह पता चला तो वह उस यज्ञ में गए और देवी सती जी की मृत शरीर को निकालकर अपना भयंकर तांडव करने लगे, जिससे विष्णु जी समझ गए कि महाप्रलय निश्चित है। विष्णु जी ने बिना देर किए अपना सुदर्शन चक्र निकाला और सती जी के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। वह 51 स्थान महाशक्तिपीठ माने जाते हैं। कामाख्या शक्तिपीठ में माता के योनि की पूजा की जाती है, जहां लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि आज भी माता को मासिक धर्म आता है, जिसमें 3 दिनों तक मंदिर में पूजा नहीं होती है। और कहते हैं कि 3 दिन तक ब्रह्मपुत्र का पानी लाल होता है। और इसी दौरान कामाख्या मंदिर में अम्बुआची मेले का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी सुनी हुई कहानी जो मैंने आपको बताई। और आजकल यहाँ पे पास बन रहा है एंट्री के लिए, ये नया है, यहाँ पे आपको पास बनाना पड़ेगा यहाँ आके। तो सारे पास बना के दौड़ रहे, कोई लेट ना हो जाए। ये बन रहा है पास यहाँ पे, फोटोज वीडियोज आर नॉट अलाउड, ये पास के लिए है यहाँ पे। और मैं भी लग जाता हूँ लाइन पे।
ये मेरा पास बन के तैयार हो गया, अब मैं लोगों का पास बनाता हूँ। कहाँ गए? इनका पास भी शायद बन गया है। दोस्तों हमने एंट्री कर लिया मंदिर के अंदर और अभी दर्शन में समय लगेंगे, इसलिए मैं अपने बच्चे के साथ टाइम पास कर रहा हूँ। ये भी बोर हो गया होगा तो इसलिए मैं इसका भी टाइम पास करता हूँ। और आप देख पा रहे हैं इतने भक्त लोग आ चुके हैं, अभी और ज़्यादा भीड़ होगी यहाँ पर। और इस गेट से एंट्री हो रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, तो हम भी यहीं से आगे जाएंगे। यदि कभी आपका मंदिर दर्शन के लिए आना होता है तो आप यहाँ टाइम से आ जाएं ताकि आपको कम भीड़ का सामना करना पड़े। हम सुबह 5 बजे पहुँचे थे यहाँ, अब 7 बजने को है, लेकिन अब भी हमारे दर्शन का समय नहीं हो पाया है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है शायद आगे। तो जैसे ही वो खाली होंगे हमें दर्शन के लिए बुलाया जाएगा। हमें 2 घंटे हो गए यहाँ बैठे बैठे, और 2 घंटे से बस टाइम पास ही कर रहे हैं हम यहाँ बैठे बैठे। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ बढ़ गई है। अभी और भी लोग आते हैं। अभी हमें अंदर एंट्री मिल चुकी है, अब हम आगे जाते हैं। और अब हम बहुत देर वहाँ रुकने के बाद आगे मंदिर में दर्शन के लिए आ चुके हैं। ये अब यहाँ पे दूसरी लंबी लाइन लगी है, मतलब ये वही लाइन है जो पूरा आगे तक जाती है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने गैलरी टाइप की बना रखी है जिसमें लोग जाते रहते, भक्त लोग, और भीड़ भी कंट्रोल रहती है, इससे दर्शन करना आसान रहता है यहाँ। घंटों के इंतज़ार के बाद आखिर हमें मंदिर के बाहर से दर्शन हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर और ये भक्तों का बहुत लंबी कतार। मेरे पूजनीय पिताजी, माताजी और मैं बस दर्शन के लिए उतावले हो रहे कि कब नंबर आए, कब दर्शन हो। और ये खूबसूरत और भव्य मंदिर, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मंदिर का। बहुत लंबी लाइन है, काफ़ी देर से रुके थे हम लाइन में, और आगे भी बहुत लंबी लाइन है। भैंस के बच्चे, इनकी यहाँ बलि दी जाती है। अभी थोड़ी देर बाद पूजा होगी, उसके बाद इनकी बलि चढ़ाई जाएगी यहाँ। मंदिर के लास्ट स्टेज में पहुँच चुके हैं, ये लास्ट लाइन है, इसके बाद मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। और ये सफ़ेद कमल पूजा के लिए लेके आए हैं हम लोग। हमारे यहाँ पर होता नहीं है लेकिन यहाँ काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। सुबह 4-5 बजे से हम लोग लाइन में हैं और अब तक तो बहुत हालत ख़राब हो गई है, भूख भी लगने लगी है। अब भी बहुत लंबी लाइन है जैसे कि आपको दिख रहा होगा। गेट के बाद मंदिर शुरू हो जाता है और अभी समय लगेगा हमें काफ़ी। हमारी पर्चियाँ जो काटी थी सुबह वो जमा कर ली है हमने, उसके बाद हमें हम मंदिर के दर्शन करके आ गए। अंदर कैमरा लेना मना था तो इसलिए हम कैमरा नहीं लेंगे। वैसे मैं रिकॉर्ड तो कर रहा था बट उसने मेरे को मना कर दिया और फाइन भरने के लिए भी बोलता था, लेकिन मैंने फ़ाइन के लिए तो मना लिया उसको, बट उन्होंने रिकॉर्ड नहीं करने दिया मेरे को। अभी मैं बाहर का सीन दिखाऊंगा आपको, कितनी भीड़ है यहाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है। हेलो। और मंदिर के बाहर से ये नज़ारा, ये है मंदिर जिसपे ये ऊपर में पीले पीले कलर के सोने के लगे हुए हैं।
संपन्न हो चुकी है। अब हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं प्रसाद के लिए। यहाँ पर प्रसाद बन रहे हैं और 12 बजे प्रसाद बटने वाले हैं। प्रसाद में यहाँ खिचड़ी और पूरियाँ और कुछ बनता चाय। और हम इस खूबसूरत मंदिर प्रांगण से घर की तरफ जाते हैं। रास्ते में प्रसाद ग्रहण करते हुए हम घर जाएंगे। और ये मुख्य गेट जहाँ से एग्ज़िट होती है, एंट्री यहाँ से नहीं दिलाते क्योंकि भीड़ बढ़ जाती है। और चलो डाटा एक मिनट सॉरी। प्रसाद ग्रहण करने के लिए भी बहुत लंबी लाइन लगी है। क्योंकि मेरे हाथ में बच्चा है इसलिए लोग मुझे आगे जाने दे रहे हैं। मैं और निर्मला आगे निकलते हैं और पहले मैं खाना खाता हूं, तब तक बच्चा निर्मला पकड़ती है और उसके बाद निर्मला खाना खाती है। और यहां पे भंडारा चला हुआ है जो रोज़ चलता है। बहुत ही टेस्टी खाना भी बना हुआ है और पेट भर के आप जितना खा सकते हैं। श्रीलंका खाने के बाद हमने खाना वाना खा लिया है और हम जा रहे हैं घर की तरफ। लेकिन अब भी यहाँ बहुत भीड़ है। अभी हम देखते हैं किस दुकान पे हमने चप्पल रखा था, जहाँ से हमने सामान भी लिया था। अब वो दुकान ढूंढते हैं और चप्पल अप्पल लेके फिर गाड़ी बुक करनी पड़ेगी। पूरी मार्केट खुल चुकी है। ये है कामाख्या के बाहर का मार्केट जिसमें आपको सारा पूजा का सामान मिलेगा। और दोस्तों अगर किसी को कामाख्या मंदिर आना है तो वो मुझे संपर्क करें, कमेंट में लिख सकता है वो, मैं उसे यहाँ के दर्शन करवा दूँगा। कामाख्या मंदिर से हमने घर के लिए उबेर बुक किया और हम चलते हैं घर की तरफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू। और ऐसे ही धार्मिक स्थलों की यात्रा करते रहें, मन तन को शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि भी आएगी। थैंक यू।